जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवध विश्वविद्यालय से संबंधित एक और नए अपडेट की। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे वो आपने एमएड, एलएलबी, एलएलएम, बी फार्मा या डी फार्मा, इन पाँच कोर्सेज के 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था आपने एडमिशन्स के लिए, उस एंट्रेंस एग्जाम्स की क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ उसका आंसर की अपडेट कर दिया गया है। तो अपडेट यही है कि आपका क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला था वो और उसके आंसर की अपडेट कर दिए गए हैं। तो अगर आप मैच करना चाहें तो आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको आंसर की और आपका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ये है हमारा अवध विश्वविद्यालय, प्यारा अवध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको आना है एडमिशन ब्लॉक में, एडमिशन बॉक्स में। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है कैंपस एडमिशन 2023 पे। और जैसे ही आते हैं कैंपस एडमिशन 2023, आप नीचे एक न्यू देखेंगे, आपको आज ही मिला है। वो क्या है दोस्तों, वो है ये रिलीज ऑफ आंसर की ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स एमएड, एलएलएम, बी फार्मा, डी फार्मा, एलएलबी 2023 हेल्ड ऑन जून, जो 28 जून को पेपर हुआ था, उसका आंसर की और क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। डाउनलोड कैसे करेंगे, आइए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप, आपका साफ यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब आपको जिस भी कोर्स का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो क्लिक करते ही आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बगल में उसका आंसर की दिया हुआ है। मैं एज एग्जाम्पल्स एमएड का, जैसे एमएड का मैं क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करूँ, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, अगर एमएड के सामने वाले क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एमएड का क्वेश्चन पेपर जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2023 में, वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, एज इट इज़ वही सवाल हैं जो आपके पूछे गए थे। अब इसके आंसर की हम देख लेते हैं, बाकी मैं इसको वन बाई वन करके सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है प्रीवियस ईयर्स को स्टडी करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वन बाई वन हम डिस्कस कर लेंगे। पूरे जो भी 200 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये आपका क्वेश्चन पेपर, आपका एज इट इज़ वही जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था, वो यहाँ पे आपके सामने खुलकर आ गया है। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था दोस्तों, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो भी एक बार रिहर्सल कर लेंगे, वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो सीटेट और यूपीटेट देना है, या फिर अभी बिहार में मान लीजिए वैकेंसी आ रही है। तो आप इससे एक बार क्या करें, अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठते तो कितने नंबर पा पाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन पेपर। ठीक उसी का अगर हम आंसर की, यहाँ पे आंसर की डाउनलोड करना चाहें, तो हमारा आंसर की, ये एलएलएम का आंसर की है, आपको याद रखिएगा, एलएलएम का आंसर की है। एमएड की बात करें तो ये एमएड का आंसर की, उसी क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जिस भी कोर्स का, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एलएलबी 3 साल का जो है, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर आप एलएलबी की क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहें, तरीके से आप एलएलबी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी दोस्तों एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपके 100 सवाल पूछे गए थे वो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ओके, बहुत अच्छा, ये आपका एलएलबी का क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं भी इसको देखूंगा, एमएड का, एलएलबी का, फिर मेरे स्तर से जो एक्सप्लेनेशन हो पाएगी मैं उसको यहाँ पे कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आया था। बाकी आप में से कितने बच्चों ने कौन सा कोर्स दिया था, जैसे 5 कोर्सेज थे, डी फार्मा, बी फार्मा, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड, मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम, बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी, तो अगर आप में इनमें से कौन सा कोर्स का एग्जाम दिया था, कैसा पेपर हुआ आपका, क्या नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य किसी समस्या से संबंधित अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की आईडी मैं दे दूंगा, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा फेमस नहीं हूँ मैं इंस्टा पे, थोड़े बहुत फॉलोअर्स होंगे, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मतलब कह रहे हैं, मतलब ये एक माध्यम है जिसके जरिए अगर आप उसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सहायता चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की अपडेट यही थी कि आपके 5 जो कोर्सेस के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, उसका आंसर की यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। अब आप उसको डाउनलोड करिए, एक बार रिहर्सल कर लीजिए, जिन बच्चों ने दिया है आंसर की से मैच करा लीजिए, रिजल्ट जल्द ही अपडेट किया जाएगा। चलिए, अभी तक रिजल्ट की कोई अभी यहाँ पे अपडेट नहीं आई है, 1 से 2 दिन और लग जाएगा दोस्तों आपके रिजल्ट आने में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यही अपडेट थी,
इससे संबंधित। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है अवध विश्वविद्यालय संबंधित, जुड़े रहिए चैनल से, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और बीएड वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो घबराएं ना, उनका एग्जाम जल्द ही हो जाएगा, विश्वविद्यालय इस पर कार्य कर रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बाकी किसी सुझाव मशवरे सलाह के लिए आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, सदैव हम वहाँ पर आपके लिए हाजिर हैं। तो जय हिंद, जय भारत।